हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल रंबल 2021 के शो के रिजल्ट्स के बारे में। और ये वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये पेपर भी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, साल का सबसे पहला पेपर भी है। इसके अलावा मेंस रॉयल रंबल मैच का कौन विनर होने वाला है, कौन कौन से टाइटल चेंज हो सकते हैं, क्या कुछ मैच इसके रिजल्ट से रहने वाले हैं, सब बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और यार, वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके प्यारे से लाइक से। और यार, वीडियोस तो रेगुलर आते रहेंगे पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो गाइज, अभी सिर्फ 6 मैच कन्फर्म है जिसमें से 4 तो टाइटल मैच ही हैं। और सबसे पहले बात करें लेडीज फर्स्ट, गाइज फीमेल डिवीजन की तरफ से यहाँ मैच कन्फर्म है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए साशा बैंक्स वर्सेस कार्मेला का। और ये हमें रीमैच देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कार्मेला के साथ फिर से होंगे रेजिनाल्ड, तो ये एक बेनिफिट हो सकता है कार्मेला को। पर गाइज, मैच हमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा, काफ़ी लेंथी ये मैच हो सकता है। पर बात करें मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है, क्या यहाँ पर टाइटल चेंज हो सकता है, कार्मेला बन सकती है नई स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन, तो गाइज यहाँ पर मेरी प्रेडिक्शन जाने वाली है साशा बैंक्स के साथ ही। गाइज, वैसे तो WWE ऐसे बड़े पेपर में ही ये टाइटल चेंज करती है, पर यहाँ पर हमें कोई टाइटल चेंज देखने को मिलने वाला नहीं है क्योंकि अभी साशा बैंक्स की और कोई तगड़ी फ्यूड नहीं चल रही है, इस मैटर पर कोई फ्यूड तैयार नहीं है, तो यहाँ पर टाइटल रिटेन होने वाला है साशा बैंक्स की तरफ से। नेक्स्ट मैच है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस का लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच है। मैच गाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वैसे ये तीसरी बार हो रहा है फिर भी ये मैच इंटरेस्टिंग बन जाता है क्योंकि इस मैच में हमें अब काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा और रिंग साइड पर बैक स्टेज काफ़ी एक्शन होने वाला है। और इसके अलावा इस मैच में कई सुपरस्टार की इंटरफेरेंस होगी, जैसे कि एडम पियर्स, जे उसो, जो इस मैच के रिजल्ट में भारी इनपुट डाल सकते हैं। तो गाइज मैच अच्छा खासा रहेगा, वैसे इस मैच का रिजल्ट प्रेडिक्ट करना इतना मुश्किल नहीं है। और गाइज इस मैच में प्रेडिक्ट करने वाला हूँ रोमन रेंस को, यहाँ पर टाइटल आसानी से रिटेन होने वाला है भले ही केविन ओवेंस के पास ये तीसरी बार अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट मैच भी गाइज फीमेल डिवीजन से है और ये मैच होने वाला है चैंपियनशिप मैच टैग टीम चैंपियनशिप के लिए आस्का एंड शार्लेट फ्लेयर वर्सेस नाया जैक्स एंड सैना वेजर के बीच में। गाइज जहाँ से चैंपियनशिप गई थी वहीं पर ये चैंपियनशिप क्या वापस आ सकती है, नाया जैक्स और सैना वेजर को रीमैच की अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। और बात करें इस मैच के रिजल्ट में, तो गाइज जैसे कि आपको पता है आस्का और शार्लेट फ्लेयर की टीम अभी इतनी स्टेबल नहीं है, हमें ये दोनों सुपरस्टार साथ में कम ही देखने को मिलती है। वैसे भी शार्लेट फ्लेयर की फ्यूड हमें देखने को मिल सकती है लेसी इवान से आगे, तो ऐसे में यहाँ पर वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप आस्का और शार्लेट फ्लेयर के पास रहना कोई सेंस नहीं बनता है। और WWE नाया जैक्स और सैना वेजर को फिर से एक बार स्ट्रॉन्ग दिखा सकती है और यहाँ पर नाया जैक्स और सैना वेजर यहाँ पर चैंपियनशिप जीत जाएंगे और हमें इस मैच में टाइटल चेंज देखने को मिलेगा। और पिछली बार आस्का और शार्लेट फ्लेयर ये चैंपियनशिप इसलिए जीती थी क्योंकि शार्लेट फ्लेयर के रिटर्न को बड़ा दिखाना था, पर फाइनली यहाँ पर ये टाइटल लूज होने वाली है और हमें आस्का की भी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए अलग फ्यूड देखने को मिलेगी। नेक्स्ट मैच भी गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये मैच है WWE चैंपियनशिप के लिए ड्रू मैकइंटायर वर्सेस गोल्डबर्ग का। गाइज वैसे तो गोल्डबर्ग की हिस्ट्री देखें तो ये मैच इतना इंटरेस्टिंग नहीं बनता, पर गाइज इस मैच का रिजल्ट अब इस बार कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी हमने देखा है हिस्ट्री में भाई, जब भी गोल्डबर्ग आते हैं उन्हें चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और चैंपियन बन भी जाते हैं, तो क्या इस बार भी वो चैंपियन बनेंगे क्या भाई? ड्रू मैकइंटायर रॉयल रंबल में ये चैंपियनशिप लूज करने वाले हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है रॉयल रंबल पेपर वीक। और इस मैच का रिजल्ट प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है, कुछ भी हो सकता है इस मैच में हमें देखने को मिल सकता है। अगर गोल्डबर्ग जीतते हैं तो हमें मैच काफ़ी स्क्वैश देखने को मिलेगा, काफ़ी छोटा देखने को मिलेगा, और अगर ड्रू मैकइंटायर जीतने वाले हैं तो हमें अच्छा खासा लेंथी मैच देखने को मिलने वाला है। पर गाइस मैं अपनी प्रेडिक्शन बताऊं कि मैं किसे प्रेडिक्ट करने वाला हूं, तो मैं यहां पर प्रेडिक्ट करूंगा ड्रू मैकइंटायर को। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि जैसे कि आपको पता है गोल्डबर्ग को बार बार टाइटल अपॉर्चुनिटी देने के बाद WWE को फैंस का काफ़ी तगड़ा बैकलैश देखने को मिलता है, फैंस की तरफ से बहुत ज़्यादा हेट मिलती है। और ऐसे में अगर WWE फिर से एक बार गोल्डबर्ग को चैंपियनशिप दे देती है और ड्रू मैकइंटायर जैसे फेवरेट सुपरस्टार को हरवा देती है तो ये एक बड़ी दिक्कत हो सकती है WWE के लिए फैंस की तरफ से। और गाइस इस मैच का रिजल्ट ही डिक्लेयर करेगा कि भाई मेंस रॉयल रंबल मैच में कौन विनर हो सकता है। नेक्स्ट मैच है गाइस आप सबका फेवरेट वुमेन्स रॉयल रंबल मैच, 30 वुमेन सुपरस्टार इस मैच में कम्पीट करेंगे। कई फीमेल सुपरस्टार के तो नाम पहले ही कन्फर्म हो चुके हैं, जैसे कि पेटन रॉयस, बियांका ब्लेस, शार्लेट फ्लेयर, नाया जैक्स, डायना ब्रूक, एलेक्सा ब्लिस, सायना बेजलर, ये 4 पहले ही कंफर्म हो चुके हैं। कुछ हमें रिटर्निंग सुपरस्टार देखने को मिलेंगे, पर गाइज मैं यहाँ पर टॉप फेवरेट 3 सुपरस्टार पिक करूँ कि कौन कौन से इस मैच में मेरी तरफ से फेवरेट है मैच जीतने के लिए, तो गाइज यहाँ पर 3rd नंबर पे नाम आता है रोंडा राउजी। गाइज वैसे तो अभी रोंडा राउजी इस मैच के लिए कन्फर्म नहीं है, पर काफ़ी ज़्यादा रूमर्स हैं कि फाइनली यहाँ पर रोंडा राउजी का रिटर्न होने वाला है क्योंकि गाइज पिछले साल हमें रोंडा राउजी परफॉर्मेंस सेंटर में देखने को मिली और ऐसे रूमर्स थे कि भाई रोंडा राउजी और WWE के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, तो ऐसे में ये सही टाइम है कि भाई रोंडा राउजी का रिटर्न कराया जाए और हमें वो 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में देखने को मिले।
तो ऐसे में अगर रोंडा राउजी इस मैच में आते कम्पीट करती हैं तो रोंडा राउजी के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सेकंड नंबर पे हैं गाइस एलेक्सा ब्लिस। गाइस एलेक्सा ब्लिस वो फीमेल सुपरस्टार रही हैं 2020 में जिन्होंने फैंस की सबसे ज़्यादा अटेंशन गेन की है फीमेल डिवीजन की तरफ से, और ऐसे में WWE एलेक्सा ब्लिस को आगे भी तगड़ा पुश देने की जारी रखेगी। तो ऐसे में एलेक्सा ब्लिस के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और फर्स्ट नंबर पे गाइस यहां पर रखने वाला हूं मैं बियांका ब्लेयर को, और मैंने बियांका ब्लेयर को यहां पर इसलिए पिक किया है क्योंकि गाइस अगर आप स्मैकडाउन ब्रांड की तरफ से देखें तो बियांका ब्लेयर ही वो एक फीमेल सुपरस्टार है जो कि स्मैकडाउन ब्रांड पर हमें दिख रही है साशा बैंक्स और कार्मेला के अलावा। तो ऐसे में WWE अगर स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियनशिप के लिए चैलेंजर ढूंढ रही है तो वो हो सकती है बियांका ब्लेयर, और तो यहाँ पर मैं पहले नंबर पे बियांका ब्लेयर को रखूंगा। नेक्स्ट मैच है गाइस 30 मेंस रॉयल में मैच। ये मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि पहले से ही कई बड़े बड़े सुपरस्टार के नाम कन्फर्म हो चुके हैं जैसे कि एजे स्टाइल्स, रैंडी ऑर्टन, बॉबी लैशली, सिजारो, जॉन मॉरिसन, ओटिस, एज, बिगी, ये सारे सुपरस्टार हैं और भी सुपरस्टार को मिलेंगे, कई रिटर्न्स हो सकते हैं। तो ऐसे में ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। वैसे भी गाइस रूमर्स हैं कि हमें फिंड का रिटर्न देखने को मिलेगा, सेट हॉलिंस आएंगे, ब्रॉक लेसनर आएंगे और भी कई बड़े रिटर्न हमें देखने को मिल सकते हैं इस मैच में। पर गाइज उससे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई इस मैच में कौन विनर रहने वाला है क्योंकि सब फैंस की निगाहें सिर्फ इसी मैच में होने वाली हैं और इस मैच का ही विनर डिसाइड करेगा कि भाई रेसलमेनिया में मेन इवेंट कौन करने वाला है। तो गाइज मैं यहाँ पर तीन सुपरस्टार के नाम पिक करूँ तो थर्ड नंबर पे हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन। और गाइस जैसे कि आपने देखा ब्रॉन स्ट्रोमैन ने स्मैकडाउन ब्रांड पर रिटर्न किया और जिस तरह से उन्होंने रिटर्न किया वो काफ़ी डोमिनेटिंग दिखाई दे रहे हैं और वो अभी कंफर्म तो नहीं है पर वो भी 30 मैन रॉयल में मैच में पार्टिसिपेट करेंगे। और गाइस ऐसे में ब्रॉन स्ट्रोमैन के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि गाइस जब आपने देखा वो सर्वाइवर सीरीज के बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन ने चैंपियनशिप के लिए डिमांड की थी पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, वैसे वो तो इंजरी की वजह से था, पर अभी भी ब्रॉन स्ट्रोमैन चैंपियनशिप के लिए आगे आएंगे। और वैसे भी रूमर्स थे कि भाई रॉयल रंबल में हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन से ड्रू मैकइंटायर का मैच देखने को मिल सकता है, तो रॉयल रंबल में ना सही हमें शायद रेसलमेनिया में फिर से एक बार ब्रॉन स्ट्रोमैन को अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे। नेक्स्ट गाइस सुपरस्टार हैं दूसरे नंबर पे सेमस। गाइस सेमस के भी मेंस रॉयल में मैच जीतने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि गाइस देखा आपने रॉयल रंबल से पहले हमें ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सेमस की बीच में झड़प देखने को मिली, फ्यूड देखने को मिली, पर अभी WWE ने उसे फ्यूड को होल्ड में रखा है और आगे जाके जाहिर सी बात है रूमर्स भी हैं कि ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सेमस हमें टाइटल फ्यूड में देखने को मिलेंगे। और वैसे भी सेमस को काफ़ी लंबे टाइम से टाइटल की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो ऐसे में अगर सेमस जीतते हैं रॉयल रंबल पेपर वी रॉयल रंबल मैच तो ऐसे में फैंस काफ़ी खुश होंगे सेमस के लिए। और गाइस यहां पर पहले नंबर पे हैं स्मैकडाउन के सुपरस्टार डैनियल ब्रायन। गाइस डैनियल ब्रायन की सबसे ज़्यादा चांसेस है कि वो इस बार मेंस रॉयल रंबल मैच जीते, और हमने देखा स्मैकडाउन ब्रायन पर डैनियल ब्रायन ने कहा है कि भाई मैं आज तक कोई रॉयल रंबल मैच नहीं जीता हूं पर मैं इस साल जीतना चाहता हूं। तो डैनियल ब्रायन काफ़ी कॉन्फिडेंट है और वो फैंस का अटेंशन देखना चाहते थे कि भाई जब मैं ऐसा कहूंगा तो फैंस किस तरह से उन्हें प्यार देते हैं, और तो फैंस ने तो काफ़ी सपोर्ट किया है डैनियल ब्रायन को। तो ऐसे में हमें रॉयल रंबल मैच जीतते दिखाई दे सकते हैं डैनियल ब्रायन। और वैसे भी रूमर्स हैं कि भाई हमें रोमन रेंज से डैनियल ब्रायन का मैच देखने को मिलेगा फिर से एक बार रेसलमेनिया पेपर व्यू में, तो ऐसे में डैनियल ब्रायन जीत जाएंगे मेंस रॉयल रंबल मैच और सीधे सीधे चैलेंज करेंगे रोमन रेंज को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। पर गाइस अगर इसके अलावा रिटर्न्स होते हैं जैसे कि ब्रॉक लेसनर हो गए और सेट रॉलिंस हो गए तो ब्रॉक लेसनर के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही हैं। पर ये थी मेरी टॉप 3 पिक और ये थे पूरे रॉयल रंबल मैचेस के रिजल्ट्स। पर गाइस कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपना फेवरेट मैच बताओ और क्या लगता है आपको किसका रिटर्न हो सकता है और कौन सा मैन रॉयल रंबल मैच में विनर होगा, कमेंट बॉक्स खुला है आप बता के बता सकते हो। पर इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर आप पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे कि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक्स वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें अपना।